इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन रुपी को इस्तेमाल करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, यानी जो भी ट्रेड की जाएगी वो इंडियन करेंसी में की जाएगी। और जिस तरह आने वाले वक्त में इंडियन रुपी में अगर ट्रेड होगी डॉलर की बजाय, तो डेफिनेटली इंडियन करेंसी की जो है वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखें, वो मुल्क दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट, दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए, इंडिया और रशिया जो है, दिस इज व्हाट आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इम्पोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहां पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। आपको पता है श्रीलंका के मौजूदा सूरत हाल की वजह से डॉलर्स की काफी वहां पर कमी हो गई थी, जिस वजह से श्रीलंका ने यह फैसला किया था कि अब वो इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगा। लेकिन एक और गुड न्यूज आ रही है कि अब रशिया के साथ भी भारत जो ट्रेड करेगा वो इंडियन करेंसी के अंदर ही करेगा। क्या कहेंगे, क्या वजह है इतनी सारी कंट्रीज जो है वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है? देखें, इंडिया में मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, उसमें स्टेबिलिटी है, उनकी जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जहाँ पे जमहूरियत है, एक गवर्नमेंट है, स्टेबल्ड है और वो डिसीजन ले रही है अपने मुल्क के फायदे के लिए। एक उनके पास इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं इंडिया, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, चौथी और तीसरी बनने जी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उधर, 2 अरब के राउंड बोर्ड है, नियर टू 2 अरब, हम जस्ट 25 करोड़ है, तो हम इसको स्टेबल क्यों नहीं कर रहे, जो हमारे पॉलिसी मेकर उनको पता ही नहीं करना क्या। जो और बहुत सारे जो रशियन बैंक है, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिट बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जब रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी, तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं चीजें, बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। भारत जिस कंट्री को भी ऑफर रखता है कि मेरी करेंसी में आके मेरे साथ ट्रेड करो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। क्या पाकिस्तान राइट नाउ इस पोजीशन के अंदर है कि वो चाइना या किसी और कंट्री को कहे कि हम पाकिस्तानी करेंसी में अब ट्रेड करेंगे आपस में? नहीं, पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान जो है अपने तौर पर ना ये ढीला पड़ गया है, बहुत ज्यादा ढीला हो गया है, मुआशी तौर पे भी, इक्तसादी तौर पे भी। 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडिया की करेंसी को जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उनमें से 15 या 20 भी सक्सेसफुल हो जाते हैं करने में, तो इंडिया की करेंसी तो बड़ी पावरफुल हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। रशिया एक बड़ा कंट्री है, वो अगर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी यूज करेगा तो इंडिया की करेंसी कितनी बढ़ जाएगी वैल्यू? कोई भी मुल्क जो होता है ना, वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है, तो उसका वाहिद मकसद यह है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, तो उसका जाहिर सी बात है आज से 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद उसको फायदा होगा। 10 साल 15 साल बाद इस स्टेज पे जा सकते हैं जैसे इस टाइम डॉलर की कंडीशन है वैसे इंडियन? मे बी ऐसा हो जाए। एंड लुक व्हाट इंडियंस हैव डन, वो इस मुकाम पे आ गए हैं कि वो अपनी करेंसीज में बिजनेस कर रहे हैं, वो सऊदीज के साथ भी करने को तैयार हैं, और उन्होंने कल को चीन के साथ भी करना शुरू कर देना। दैट इज हाउ दे आर मेकिंग देयर करेंसी स्ट्रॉन्गर, वो अपनी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। ए चीज सोचो, इधर से देखो, इधर से ध्यान दो, दिस इज वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट मोर एनर्जी, बिकॉज अगर हमें, हमारे पास तो डॉलर नहीं है, हम कहाँ से लोगों को तरले करते हैं जो यार डॉलर दो। 1980 के अंदर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी ऊपर जा रहा था ग्रोथ के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2022 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस टाइम 70% GDP पर कैपिटा जो है वो उनका इंक्रीज हो गया हमसे। क्या लैग कर रहे हैं हम, क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसकी वजह से हम यार, हमारी नाकस पॉलिसियां जो है ना, ये हमें नीचे दुनिया में बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जा रही है, हमारी नाकस पॉलिसी है। ठीक है, और वो लोग जो हैं वो ग्रो और अपनी माशरे को सोच समझ के उसको चला रहे हैं। ठीक है, जो करप्शन है ना वो हर जगह है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन देखें वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि जो उनकी पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो आज से 50 साल पहले वाली पॉलिसीज को लेके अभी तक चल रहे हैं।
और भाई हमारे एम्बेसडर्स को तो प्रॉब्लम ये है कि जहां फॉरेन मिनिस्टर जाता है वो जाके पैसे मांगना शुरू कर देता है। इंडियन एम्बेसडर्स को ये एडवांटेज है कि वो जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हाँ तो हम तो बिजनेस करने आए हैं, हम तो नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने आए हैं, हम आपके साथ आए हमारे साथ काम करें। इंडियन करेंसी पे कितना फर्क पड़ेगा जब वो हर कंट्री से अपनी रकम में जो है वो तिजारत करेगी? वो तो मुस्तहकम हो जाएगी उनकी करेंसी तो अभी भी है, वो तो है और भी मजीद हो जाएगी वो, क्योंकि वो हर मुल्क के साथ उनकी डीलिंग अच्छी है ना जी। सही, उनकी आवाम ना अब थोड़ा सा एक्टिव है, उनकी आवाम भी वो आवाज उठाती है इंडिया की, हमारी निस्बत। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, लेकिन अब वो इतना एक्टिव है कि कम से कम वो जो उनके पॉलिसी मेकर्स है ना, अब उनको डर होता है कि यार पब्लिक पूछेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। कौन ज्यादा अपनी कंट्री के साथ लॉयल काम कर रहा है, पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात की जाए, कौन ज्यादा लॉयल है, कौन मतलब अपनी कंट्री? जो चाइन जो इंडिया है ना, हाँ। जी वो लोग अपनी कंपनी के साथ बहुत मुखलिस, अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम लोग जो है हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। इन्फ्लेशन शॉक पे है, फ्लड्स के हो गए, जनवरी में हम बिलावल भुट्टो को सुन रहा था मैं पिछले दिनों अटलांटिक काउंसिल में, वो कह रहे थे कि हम जनवरी में कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कर रहे हैं हमारी गुर्बत के ऊपर, हमारे ऊपर पैसे इकट्ठे करने के ऊपर। ठीक है जी, अब ये जो चीजें हैं कि ये दिस इज वे वी आर, ये है वो हम जहाँ खड़े हुए हैं। पहले ये था कि ये 5-10 साल पहले हम लोगों को भी पूरी आवाम को इसी चीज के पीछे लगाया हुआ था कि वो भारत जोन सा हमारा दुश्मन है, ये है वो, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं।